नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं पीयूष मिश्रा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो गया। आपको बता दें कि इस समारोह की शुरुआत आज सुबह से ही हो गई थी, जब छत्तीसगढ़ के अलग अलग कोनों से लोग साइंस कॉलेज पहुंचना शुरू हो गए। अलग अलग वेशभूषा में लोग दिखे वहां पर। जब हम पहुंचे तो अलग अलग कोनों से जो लोग आए थे वो आदिवासी वेशभूषा में नृत्य करते हुए दिखे, तो हर तरफ जश्न का माहौल था। और जब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हुई तो उस वक्त सबसे पहले देखा गया कि कैसे भगवान राम और कृष्ण को लेकर भजन गाए गए। उसके बाद संतों को वहां बुलाया गया और उसके बाद अतिथिगणों का आना शुरू हुआ। लगभग 2:30 बजे के आसपास गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उन्हीं के साथ साथ अलग अलग गृह मंत्री, चाहे वो नितिन गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो, अलग अलग बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, वहां पुष्कर सिंह धामी, योगी आदित्यनाथ, मनिक साहब, ये सभी मुख्यमंत्री, उनका आना शुरू हो गया। 2:30 बजे के बाद जब वो पहुंचे तो सबसे पहले गृहमंत्री अमित शाह बीजेपी दफ्तर गए। वहां पर बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया, साथ ही साथ जेपी नड्डा भी उनके साथ मौजूद थे। इन सभी कार्यक्रमों के बाद गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे साइंस कॉलेज में, जहां पर उनका स्वागत भी बीजेपी के नेताओं ने किया। और उनके पहुंचने के बाद धीरे धीरे हमने देखा कि कैसे जितने भी बीजेपी विधायक है वो स्टेज पर पहुंचना शुरू हुए। जैसे ही वो आए तो लोगों में काफी उत्साह दिखा, लोगों ने सभी नेताओं का स्वागत गर्मजोशी से किया। लोग काफी उत्साह थे कि 5 साल के गैप के बाद फिर से बीजेपी की सरकार बनी। ना सिर्फ बीजेपी का कार्यकर्ता वहां पर काफी भारी संख्या में वहां पर मौजूद थे, बल्कि अलग अलग पार्टीज के नेता भी वहां पर आए थे। भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी स्टेज पर मौजूद दिखे। तो आज एक भव्य कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 3:40 पर रायपुर एयरपोर्ट पर वो पहुंचे और वहां से एक चॉपर लेकर साइंस कॉलेज पहुंचे। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो भीड़ का उत्साह देखते ही बन रहा था। हर तरफ सिर्फ मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे। साथ ही साथ उनके आने से पहले एक नारा भी गूंज रहा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। तो इस तरह की चीजों में जो वातावरण था वो कहीं ना कहीं काफी गर्मजोशी से भरा हुआ था। हर आदमी जो है वो उस पल का इंतजार कर रहा था जब विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि आज विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री की शपथ ली, उसके बाद 2 उपमुख्यमंत्रियों ने शपथ ली। अगर हम अरुण साहू की बात करें, विजय शर्मा की बात करें, तो ये 2 लोग हैं जिन्होंने उपमुख्यमंत्रियों की शपथ ली। इनके नाम के ऐलान संगठन ने उसी दिन कर दिया था जिस दिन बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी। और उसी के साथ ये भी ऐलान कर दिया गया था कि रमन सिंह अब छत्तीसगढ़ के स्पीकर होंगे। तो स्टेज पर सभी लोग आज मौजूद थे, सभी विधायक मौजूद थे, रमन सिंह मौजूद थे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद थे, कई बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री मौजूद थे, गृहमंत्री के साथ जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। तो एक भव्य कार्यक्रम में आज शपथ ग्रहण समारोह का समापन हुआ। इस शपथ ग्रहण समापन की इस शपथ ग्रहण का इंतजार काफी सालों से बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे थे। आपको बता दें कि कई मुद्दों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, करप्शन हो गया, महादेव बेटिंग ऐप हो गया और कई ऐसी बातें थी जिनको लेकर बीजेपी लोगों के बीच में गई और बीजेपी को लोगों ने भरपूर समर्थन भी दिया। 54 सीटें जब बीजेपी की आई तो बीजेपी के ही कई नेता ऐसे थे जिनको उम्मीद नहीं थी कि इतनी सीटें बीजेपी को आ जाएंगी, लेकिन जब प्रचंड बहुमत मिला तो उस पर ये कहा सभी नेताओं ने कि ये मोदी की वजह से मिला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान एक बात साफ साफ कही थी कि पार्टी का कोई भी चेहरा नहीं है, अगर कोई चेहरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कमल है और कमल के फूल पर सबको बटन दबाना है। और ऐसा ही कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता ने कर अब पीएम नरेंद्र मोदी को दिखाया। और इसी के बाद हमने देखा कैसे 54 सीटें बीजेपी को आए। तो अब विष्णुदेव साय नए मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के 4थे मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले अजीत जोगी, रमन सिंह, भूपेश बघेल और अब आप विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने हैं। इन्हीं के साथ साथ 2 उपमुख्यमंत्री बने हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने से पहले विष्णुदेव साय ने सबसे पहले पूजा अर्चना की, जगन्नाथ मंदिर गए, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण किया, उसके बाद वो कई नेताओं से मुलाकात की, केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की, जिसके बाद वो सभा स्थल पर पहुंचे, जिसके बाद वो शपथ ग्रहण जहां पर होना था साइंस कॉलेज वहां पर पहुंचे। और उसके बाद पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर शपथ ली और शपथ लेने के बाद जब विधिवत तौर पर उनकी शपथ पूरी हो गई और 2 उपमुख्यमंत्रियों ने शपथ ले ली, तो तीनों जो बड़े नेता हैं अब पार्टी के, जो अब मुख्यमंत्री और जो 2 उपमुख्यमंत्री हैं, वो महानदी मंत्रालय पहुंचे और
फिर से पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करने के बाद विधिवत तौर पर अब जो है कार्यभार संभाल लिया गया है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि बहुत जल्द छत्तीसगढ़ में कैबिनेट एक्सपेंशन होगा और अब पता चल जाएगा कि कौन नए मुख्यमंत्री होंगे। पूरे मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो 13 लोग शपथ ले सकते हैं जिसमें एक मुख्यमंत्री भी है, यानी कि 12 लोग जिसमें अब दो मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं। अब 10 लोगों के बारे में और घोषणा होनी है। जल्द ये भी निकल के सामने आ जाएगा कि वो 10 लोग कौन है, वो 10 विधायक कौन है जो अब मंत्रियों की शपथ छत्तीसगढ़ सरकार में जल्द लेने वाले हैं। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ पीयूष मिश्रा, रायपुर आज तक।